हाँ जी क्या हुआ? मुरली लंबी हो गई इसलिए वार्तालाप बंद है? है और एक बात पूर्णमिदम, ये पूर्ण है, पूर्णस्य पूर्णमादाय, इस पूर्ण में से पूरा ही ले लिया जाए फिर भी पूरा ही बचता है। कौन है वो? है जो सदा ही पूर्ण है, उस पूर्ण में से पूरा ही खर्चा कर दिया जाए तो भी पूरा का पूरा ही बचता है। किस आत्मा के लिए कहा जाएगा? है शिव बाप के लिए कहा जाएगा, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उनकी बैटरी तो डिस्चार्ज होती रहती है कि पूरी की पूरी बनी रहती है? हैं? वो तो डिस्चार्ज हो जाती है। और ये पंखा बंद कर लीजिए, इसकी आवाज ज्यादा आती है। हाँ जी ह्यूमन माने मनुष्य, ह्यूमिनिटी माने मनुष्यता, मानवता। और जैसे कि बारह मार्च में चौथ का देते हैं, क्या देते हैं? चौथ का चांद, चौथ का चांद। हाँ हाँ तो चौथ होता है ना, कि चौथ तो चौथ का चांद आप मास्टर नहीं देखते, उसको खूब मानते हैं, बुरा मानते हैं। तो चौथ किसने खाई संगम युग में? संगम युग में चौथ खाना, जैसे आज की दुनिया में लोग बिचौलिया बनते हैं, मकान किराए पे लेने जाओ, खरीदने जाओ, बेचने जाओ, तो वो एजेंट लोग क्या करते हैं? बीच में अपनी चौथ काट लेते हैं, करते धरते कुछ है नहीं। और वो गायन सूर्य का नहीं है, किसका है? हैं? चौथ के चंद्रमा का गायन है। तो किया दिया कुछ नहीं, मेहनत कुछ नहीं की,
लेकिन बीच में उजूरा मिल जाता है। कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेहनत है, मेहनत की कमाई खाना चाहिए या ऐसे ही? गायन किसका होता है? जो मेहनत करते हैं उनका गायन होता है या जो मेहनत नहीं करते हैं उनका भी गायन होता है? है क्यों? कृष्ण की आत्मा चंद्रमा है, उन्होंने मनन चिंतन मंथन करने की मेहनत तो कुछ नहीं की। मेहनत की क्या? बाप को पहचानने की मेहनत की? नहीं की। तो क्या उनको प्राप्ति नहीं होती है? सत्युग में जाके महाराजा नहीं बनते? और द्वापर कलयुग में क्या कृष्ण की महिमा नहीं होती? होती है या नहीं होती है? हैं? तो ये कैसे है? महिमा संगम युगी कृष्ण की होती है या कलयुगी कृष्ण की होती है या सतयुगी कृष्ण की होती है? सतयुग के कृष्ण की कोई महिमा नहीं है। क्यों महिमा नहीं है? क्योंकि यहां ही वो भगवान बन के बैठ गए, अपने फॉलोअर्स से सारी महिमा ले ली। इसलिए चौथ का चांद कहा जाता है। चौथ का चांद माने अधूरा चांद या संपूर्ण चांद? अधूरा चांद है तो भी चौथ कह ले, और संपूर्ण बनता है तो भी चंद्रमा में धब्बे रहते हैं या नहीं रहते हैं? कहते हैं, फॉलोअर्स कहते हैं ब्रह्मा की आत्मा संपूर्ण बन गई, परंतु क्या संपूर्ण बन गई या कमी रह गई? हैं? धब्बे रह गए या नहीं रह गए? धब्बे रह गए, तो अच्छा नहीं माना जाता है। सूर्य को धब्बे कोई नहीं लगते हैं। कहते हैं सूर्य के ऊपर कितना भी कीचड़ उछाला जाए तो भी कीचड़ सूर्य को नहीं लग सकता है। कीचड़ उछालने वाले को ही मुंह पे कीचड़ आकर गिरता है। तो ये चौथ का चांद जो संपूर्ण नहीं है उसको महिमा नहीं लेनी चाहिए। आज की कलयुगी दुनिया में बिचौलिए बहुत हैं या कम हैं? चौथ खूब खा रहे हैं या कम खा रहे हैं? मेहनत का खाते हैं या वो बिचौलिए हराम का खाते हैं? किसको फॉलो किया? ब्रह्मा से कौन सी दुनिया बनी? विधर्मियों की दुनिया बनी या स्वधर्मी अर्थात आत्मिक स्थिति में रहने वालों की दुनिया बनी? है?
विधर्मियों की दुनिया बन गई, देह अभिमानियों की दुनिया बन गई। इसलिए महिमा लेना अच्छी बात नहीं है। कृष्ण के लिए कह दिया है शास्त्रों में कि उन्होंने अपने आप अपने को भगवान मान लिया, लेकिन राम के लिए ये बात शास्त्रों में नहीं है। राम ने तो स्वयं किसकी पूजा की? शिव की पूजा की। वो स्वयं को भगवान मानते थे या किसी और को भगवान मानते थे? शिव को भगवान माना है, अपने को भगवान कभी स्वीकार ही नहीं किया। भगवान समझ करके मान करके बैठ जाना, माना दुनिया का मान मर्तबा ले लेना, ये चौथ खाने वाली बात है, अच्छी बात नहीं है। दुनिया के जितने भी गुरु लोग बन करके बैठे हैं, उन्होंने भी उसी तरह की चौथ खाई है। भगवान को जानते भी नहीं, भगवान का ऑक्यूपेशन क्या है ये भी नहीं जानते, भगवान क्या करके करते हैं, कब आते हैं कुछ नहीं जानते, तो भी भगवान बन करके बैठ जाते हैं। तो उसका अंजाम क्या होता है? स्वर्ग में जाते हैं कि नरक की दुनिया में ही आकर के जन्म लेते हैं? वो इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, शंकराचार्य हो, उनके फॉलोअर्स हो, सब इसी दुनिया में आकर जन्म लेते रहे। जो गीता में लिखा है मूढ़ा जन्मने जन्मने, वो मूढ़ आत्माएं जो अपन को भगवान समझ करके बैठ जाती हैं, वो जन्म जन्मांतर नरक की दुनिया में आके जन्म लेती हैं। भगवान जो स्वर्ग की दुनिया बनाता है, कौन सी? स्वर्णिम संगम युग में स्वर्ग की दुनिया बनाता है या गिरती कला की दुनिया बनाता है? है स्वर्णिम संगम युग की दुनिया बनाता है, चढ़ती कला की दुनिया बनाता है। तो जो भी गुरु बनकर बैठते हैं वो गिरती कला की दुनिया में आते हैं। भगवान गिरती कला में ले जाने नहीं आता है, भगवान तो विश्व का मालिक बनाने आता है। और आत्मा 2018 में जब संपूर्ण हो जाती तो भी डाल देंगे उसमें? नहीं, गायन जो है, पूजन जो है, वो शरीर का होता है, शरीरधारी का होता है या सिर्फ आत्मा का होता है? है शरीरधारी का, तो उनका शरीर होगा 18-17 में, होगा 18 में 17 में उनका अपना शरीर होगा? नहीं होगा। इसलिए वो गायन वास्तव में जो शास्त्रों में गायन है कृष्ण का, कृष्ण की महिमा है, शास्त्रों में जो मंदिर बनाए हुए हैं वो कौन से कृष्ण के मंदिर बने हुए हैं? संगमयुगी कृष्ण के मंदिर बने हुए हैं। यही भगवान की विशेषता है कि सब कुछ स्वयं करके स्वयं को छुपा देता है। और जो शूटिंग है 1960 से 2004 तक। विष्णु द्वारा काम नहीं चले, तीसरी मूर्ति नहीं है क्या? एक ही मूर्ति का काम है, दो ही मूर्ति का काम है कि तीनों मूर्तियों का काम संगम में चलेगा? तीनों ही मूर्तियों का काम चलता है। उसमें तो सत्यु त्रेता चारों युग दो हजार चार पांच में ही तो बोल दिया व्यक्तवाणी में।
कि जो सेवा कोई ने नहीं की है वो सेवा अफ्रीका ने शुरू की है, तो फाउंडेशन लगाना शुरू कर दिया ना। और दर्शन करते हैं के बारे में बात करते, चौथ के चांद का दर्शन नहीं करते, दूज के चांद का दर्शन भी मुसलमान करते हैं, हिंदू नहीं करते। उनके झंडे में भी दूज का चांद लगा हुआ है, उनको अधूरा चांद ही भगवान समझ में आता है, अधूरे चांद को ही भगवान समझ लेते हैं। शूटिंग कब होती है, हैं? अभी संगम युग में जो मुसलमान हैं, मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण हैं, वो इस समय शूटिंग कर रहे हैं। वो उस अधूरे चंद्रमा को ही भगवान समझ करके बैठे हैं कि वो ही गीता का भगवान है साकार में। और बाबा ऐसे ही गणेश चतुर्थी पर भी तो कहते हैं कि चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, ये खूब गलत लगते हैं, पतित होते हैं, तो उस दिन नहीं देखते हैं। उस दिन पे क्यों ऐसा कहते हैं जबकि गणेश चतुर्थी बड़े अच्छे से मनाते हैं और फिर चंद्रमा को नहीं देखते? लेकिन जो मनाते हैं वो भक्त मनाते हैं। यह गणेश चतुर्थी का नाम बाबा ने कहीं लिया है? बाबा ने तो नहीं लिया है। हाँ जी। और शिव है बाप, गीता है माता, दोनों का बच्चा कौन हुआ? है शिव है बाप, शिव आता है जैसे बाप आया, बाप के बाद माता चाहिए, तो गीता है माता। गीता पढ़ाई पढ़ने का शास्त्र है ना, और बाप है गीता पाठ पढ़ाने वाला। बाप भी है वो टीचर भी है, फिर दोनों से क्या निकलता है, रिजल्ट क्या आता है, है? नहीं, गीता ज्ञान का रिजल्ट क्या निकलता है? अरे वकालत की पढ़ाई पढ़ता है तो कोई निकलता है ना, एडवोकेट निकलता है, जज निकलता है। ऐसे ही गीता ज्ञान की पढ़ाई पढ़ करके बाप पढ़ाने वाला है, रिजल्ट क्या आता है, नारायण। तो नारायण बाद का है या शिव से पहले है या गीता से पहले है? बाद का है, इसलिए पहले है शिव जयंती, फिर है गीता जयंती, फिर नारायण। और वृक्ष होता है, उस वृक्ष में फूल भी होते हैं, फल भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, टहनियां भी होती हैं, और तना भी होता है, जड़ें भी होती हैं, बीज भी होता है। ये सब रूप हैं वृक्ष के,
उसमें सदा काल कौन सा है? शुरुआत में भी है और अंत में भी है, मध्य में नहीं है। अगर है नहीं तो कहां से आ गया? आदि में भी, अंत में भी और मध्य में भी है। तो जवाब मिल गया कि नहीं? जवाब आया? अरे है, नहीं था। क्या पूछा? माया असली रूप क्या है माया का? वो असली रूप है बीज। माया बीज रूप में भी है या नहीं है? आधार मुहूर्त में तो खलास हो गई, क्योंकि जड़ है, जड़ें सड़ भी जाती हैं, और बीज तो सदा काल रहने वाला है। तो इससे सृष्टि की जो बीज रूपात्मय हैं, वो है रुद्रमाला के बीज। उन रुद्रमाला के बीजों में लेफ्टिस्ट में मुख्य है माया। साकार में तो शरीर छूट गया, आधार मूर्त थी इसलिए, लेकिन वो आधार मूर्त किस में प्रवेश करता है? जो बीज रूप माया है उसमें प्रवेश करके कार्य करती है। और माया ने शरीर छोड़ दिया तो प्रकृति से हाथ मिला, माया प्रकृति से हाथ मिला तो और भी पावरफुल। रावण के 10 रूप, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये तो 5, लेकिन साथ में पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 5 सिर और भी हैं रावण के। तो माया सिर्फ 5 रूपों में है तो अधूरी है या पूरी है? अधूरी ताकत है, इसलिए वो हाथ मिलाती है प्रकृति से। प्रकृति से हाथ मिलाने के बाद पूरी पावरफुल बन जाती है। पूरी पावरफुल बनेगी तो सबको सरेंडर समझने वालों को भी नॉन सरेंडर साबित कर देगी या नहीं कर देगी? है, सबको साबित कर देती है ये सब नॉन सरेंडर है। फाइनल पेपर में सबको भगाएगी और खुद नंबर ले लेती है। नजदीक आ जाती है किसके? जो विश्व पिता है उस विश्व पिता के समकक्ष आ जाती है। इसलिए राम भी है तो माया रावण भी है। राम का भी राज्य इस दुनिया में चलता है 2 युगों, और माया रावण का भी राज्य चलता है 2 युगों। तो 2 ही सर्वशक्तिवान हैं। कौन कौन? राम बाप और माया रावण, बाकी किसी तीसरे को नंबर नहीं लेने देगी। और बीज, बीज पहले है जो बीज रूप है वो रुद्रमाला का मणका होगा या आधार मूर्तों में होगा? अभी भी है। क्यों नहीं होगा? माया सरेंडर हो जाती, बोलते कि कैसे जीते जबरदस्ती हुआ जाएगा। सरेंडर हो जाती? आप बोले ना सरेंडर हो जाती है वो, फिर किसी को ये नहीं करने देती तो कैसे जीते जी? सरेंडर हो जाती माया तो, जीते जी कैसे? जीते जी सरेंडर हो जाती? हाँ, जीते जी सरेंडर हो जाएगी तो नरक से क्या बन जाएगा? नरक से स्वर्ग बन जाएगा।
है? जीतेंगे कैसे? जीते जी सरेंडर नहीं होती। जीतेंगे कैसे? माया को कैसे जीतेंगे? माया को जीतेंगे कैसे? बाप की गोद में रहेंगे तो जीतेंगे। माया की गोद में चले जाते हैं बार बार तो वो तो दबोच लेगी। सत्यु के त्रेता में दो ही बच्चे होते हैं? राम के चार भाई बताते हैं। हाँ, सत्यु के त्रेता की बात नहीं है, राम के चार भाई। रामायण में या महाभारत में जो भी बातें हैं कहाँ की यादगार हैं? तो त्रेता की यादगार नहीं है। संगम युग में भगवान को चार बच्चे होते हैं, शास्त्रों में दिखा दिया है विष्णु के चार बच्चे। ब्रह्मा सो विष्णु, ब्रह्मा से चार पुत्र पैदा हुए, वो ही राम के चार भाई है। संगम युग की बात है। त्रेता और सतयुग का शास्त्र में कोई गण नहीं है, कोई हिस्ट्री है ही नहीं, मनुष्यों को हिस्ट्री मिलती ही नहीं। ये राम के चार भाई होते हैं या राम सहित चार भाई? राम सहित। राम साकार है या निराकार? राम भी साकार और भाई भी बार भी साकार और भाई भी साकार। सब देवताओं की कुछ ना कुछ वाहन दिखाई जाती है। सब देवताओं को वाहन दिखाई जाती है। हाँ जी। और राम की कोई वाहन दिखाई नहीं जाती है? राम का कौन सा वाहन है? हाँ, विभीषण परेशान हो गया, दिखाया शास्त्रों में। रावण रथी विरथ रघुवीरा, उनको कोई वाहन नहीं, कोई रथ नहीं, पैदल ही पैदल चले चले जाओ, उनकी पैदल यात्रा है। पैदल यात्रा का मतलब बुद्ध रूपी पांव से यात्रा है, उनको कोई भी वाहन जरूरी नहीं। और है अरे धीरे से बोल रही, क्या बोला? विनाश होगा तो सब खाली हाथों जाएंगे या भरतू हाथों जाएंगे? खाली हाथों जाएंगे। और शिव बाबा परम धाम से भेजेगा तो भरतू हाथों भेजेगा या खाली हाथों भेजेगा? है, भरतू हाथों भेजेगा, सब सदगति की स्टेज लेके आएंगे। तो शंकर जी क्या करता है? है, सबकी झोली खाली कर देता है और शिव बाबा सबकी झोली भर के भेजता है। अर्जुन देखी है ना? अर्जुन देखी, शिव बाबा ने भी तो शंकर जी है ना? शिव बाबा के अंदर शंकर जी है? नहीं, राम वाली आत्मा तो उसके अंदर है ना? राम वाली आत्मा शिव बाबा के अंदर है, उल्टा कर दिया। बाबा जितना शंकर शंकर है, ऐसी कोई बात है ही नहीं, शंकर पार्वती है ही नहीं, या तो विष्णु अवतार है। हाँ, माना इस दुनिया में कोई भी अभी शंकर नहीं बना है। क्या जो शंकर है शिव के साथ मिलाया जाता है, वो संपन्न स्टेज अभी कोई की नहीं बनी है। सम
करोति, सारी दुनिया में शांति पैदा कर दे, शांत हो जाए, तो काम करेगा तभी नाम लेगा या पहले से नाम दे देंगे? नाम देगा तभी नाम होगा। और जिस समय ये मुरली चलाई गई है उस समय वो पाठधारी था नहीं था? तो इसलिए बाबा ने तो सही कहा, अभी कोई शंकर नहीं, अभी कोई विष्णु नहीं, तब की बात है। उस समय तो ब्रह्मा था, जब ब्रह्मा का पाठ तब विष्णु का पाठ नहीं, शंकर का पाठ नहीं। और बाबा की याद से माया को आने ही नहीं देंगे तो कैसे आएंगे? मत आने दो ना। हाँ, माया को आने मत दो, फिर तुमको भी आने की दरकार नहीं रहेगी। जब माया आएगी नहीं तो तुमको भी आने की दरकार नहीं, घर बैठे रहो आराम से। माया आती है तो माया से बचने के लिए राम की, भगवान की शरण लेनी पड़ती है। और है अच्छा जीवन, कुमारी जीवन। हाँ, संगम युग में सबसे अच्छा है कुमारी जीवन, ठीक है। तो ये काय के लिए बोला? कुमारों को दुखी करने के लिए बोला क्या? पूछना क्या है? अच्छा चलो, भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान के बगैर चींटी भी नहीं कुछ कर सकती, चींटी भी नहीं काट सकती। क्या? भगवान के बगैर पत्ता भी हिल सकता नहीं, सत्ता के तेरी के बिना। तो ये जो गायन है भक्ति मार्ग में वो संगम युग में कैसे लागू होता है? संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया पुरुषार्थ करते करते जब परिपक्व स्टेज में पहुंचेगी तो कोई भी ब्राह्मण शिव बाबा के डायरेक्शन के बगैर कोई काम नहीं करेगा। सारी ब्राह्मण सो देवताओं की दुनिया में शिव बाबा की ही सत्ता चलेगी, कोई देहधारी की सत्ता काम ही नहीं करेगी। उस समय का गायन है कि सत्ता तेरी के बिना पत्ता भी हिल सकता नहीं। हम सब शिव बाबा के सैंपलिंग लगाए हुए नए वृक्ष के पत्ते हैं, अभी अधूरे पुरुषार्थी हैं, इसलिए कभी मन मत पर चलते हैं, कभी मनुष्यों की मत पर भी चल पड़ते हैं। लेकिन जब संपन्न पुरुषार्थी बनेंगे, नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो जाएगी, तो जो एक बोलेगा वही सब बोलेंगे। और मंदिर में जाते समय ही घंटा बजाते हैं, मंदिर से वापस आने के समय घंटा नहीं बजाते। इसका क्या राज है? है? अच्छा, वो भगवान का जो यादगार मंदिर है वो कब स्थापन होगा? अरे, राजधानी तैयार होगी या नहीं होगी? तो जब राजधानी तैयार हो जाएगी, दुनिया के जितने बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे हैं वो टूटने लगेंगे,
और एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा दुनिया में, उस समय का ये गायन है कि फिर ये घंटे ज्ञान के बजने बंद हो जाएंगे जो अभी बज रहे हैं। कौन से घंटे बज रहे हैं? हैं? ये रुद्रमाला के मण के सब घंटे हैं, उनमें भी मुख्य है 84 घंटों वाली देवी। कितने अधूरे नारायण हैं? 7। और 7 नारायण 7 धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। 7ों नारायण के 12-12 के अपने ग्रुप हैं। 12 7 84, ये सब विधर्मी नारायण हैं या स्वधर्मी नारायण हैं? विधर्मी हैं। वो विधर्मी नारायणों के जो फॉलोअर्स हैं, वो सारे के सारे ही 84 घंटे वाली देवी के भगत हैं। फिर कितने रह गए? 84 निकाल दिए तो 108 की माला में कितने रह गए? 24 रह गए। वो 24 कौन से धर्म के हैं? हैं? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं। संगमयुगी नारायण या सतयुग का पहला नारायण, वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो शिव बाबा की राजधानी स्थापन करने में सहयोगी बनती है। माया का आनंद निश्चित क्या? आपका आना निश्चित नहीं है ड्रामा में? वो तो है। वो तो सबका आना निश्चित है, भगवान का भी आना निश्चित है, तो माया का आना निश्चित नहीं होगा? माया बेटी है। हाँ हाँ, तुम भी बेटी हो, वो भी बेटी है। महाभारत में युधिष्ठिर का पार्ट भी है, कर्ण का पार्ट भी है और बलराम का पार्ट भी है, और तीनों ही पार्ट किस आत्मा के हैं? युद्ध स्थिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला। कौन है? जिसे धर्मराज कहा जाता है, ब्रह्मा की सोल। बल शरीर छोड़ देती है, देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि, शरीर बल छूट जाता है, परंतु क्या प्रयास छूट जाता है? प्रयास करती रहती है ना, कि युद्ध में स्थिर है या भाग खड़ी हुई? स्थिर है। और कर्ण, कर्ण माने कान, किसका पार्ट है? वो भी ब्रह्मा का पार्ट है। कान के द्वारा सबसे जास्ती किसने सुना? लेकिन कब सुना? है सुनने का पार्ट आदि का था, मध्य का है या अंत का है? हैं? आदि का है। आदि में उनके कान भी थे, तो कर्ण का पार्ट भी है। तो पूछा है इसमें
कि कर्ण का, युधिष्ठिर का और बलराम का पार्ट एक ही समय का है या अलग अलग टाइम का है? आदि का पार्ट कर्ण का, युद्ध में स्थिर अंत तक रहे तब युधिष्ठिर, या बीच में चला जाए तो युधिष्ठिर? तो अंत में युधिष्ठिर का पार्ट ऐसा साबित होगा, क्योंकि युधिष्ठिर शरीर के साथ स्वर्ग में गया या बिना शरीर के गया? शरीर छोड़ दिया, शरीर के साथ गया, तो शरीर तो ब्रह्मा का खत्म, तो युधिष्ठिर का पार्ट किस रूप में है? बाप दादा कंबाइंड हैं या अलग अलग हैं? तो जो कंबाइंड पार्ट है वो कौन से शरीर के द्वारा है? राम बलि आत्मा के द्वारा युधिष्ठिर है और बलराम, बलराम कहो हनुमान कहो, हनुमान किसका पुत्र था? पवन का पुत्र था। भूत प्रेतों को भी क्या कहते हैं? हवा कहते हैं। तो जैसे हवा का पार्ट है वैसे हनुमान का भी पार्ट है। आकाश में कैसे दिखाया जाता है उनको? उड़ते हुए दिखाते हैं ऊंची स्टेज में, लेकिन है किसका साथी? है राम का साथी है। रामायण में लक्ष्मण के रूप में साथी दिखा दिया है और भागवत में महाभारत में बलराम के रूप में दिखाया है। तो पार्ट तो एक ही आत्मा का है, लेकिन कंबाइंड पार्ट होने की वजह से जिन्होंने एडवांस कोर्स नहीं लिया है उनकी समझ में नहीं आएगा। है सुनो सुनो जरा कान लंबे करके सुनो क्या बोला बाबा? पार्ट तो समझ में आती है पर एक साथ छाया या महाभारत में ये समझ नहीं आती है। एक पार्ट ब्रह्मा बाबा का तीनों समझ में तो आती है। हाँ? एक साथ छाया गया एक साथ कहाँ है? कर्ण का पार्ट आदि का हो गया, आदि में कान से सुना तो आदि में सुना ना, और अभी सूक्ष्म कानों से सुनता है या स्थूल कान है? है सूक्ष्म कान है लेकिन कंबाइंड पार्ट है, इसलिए बाप दादा कहा गया है। तो कर्ण की आत्मा अभी भी है या नहीं है? अभी भी है। और हाँ, ब्रह्मा ने लिख दिया छठी के अंग है, ब्रह्मा ने लिख दिया छठी के अंग, छठी के अंग हाँ, राय घटे नीर्ण है शास्त्र में आते बताओ। पहले आपको बताओ फिर हम बताएं। मालूम नहीं एक कारण से, अरे जो मालूम ही नहीं तो पूछते काहे के लिए? सत्रह दस 2003 की अवसरणी में बोला गया है पाप समान नहीं बनेंगे तो आगे आने वाले समय संगम युग में मजा नहीं आएगा। है मजा नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा सजा हो जाएगी, सजा हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा। तो बाप समान पुरुषार्थ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो आठ तो बाप समान पुरुषार्थ करेंगे उनको मजा आएगा, क्योंकि धर्मराज सजा उनको खानी नहीं, और बाकी को सजा खानी पड़ेगी तो मजा नहीं आएगा। है हाँ। और बाबा पूछा है? हाँ जी, उसका मत जो मंत्री आपके हिसाब से चल रहा है
पुरुषोत्तम अधिक मान। हाँ अभी मुसलमान के हिसाब से चल रहा है। हाँ उसको तीसरी साल में क्यों मनाते हो? उसको मेरे पास भी बोलते हैं चौथी साल में मनाते हैं ना। हाँ चौथी साल बोलते चौथी साल में मनाते हैं। तीन तीन साल छोड़ के चौथी साल में मनाते हैं। और उसको मेघ मास भी बोलते हैं। मल मास। हाँ मल मास। सारा कचरा आके इकट्ठा होता है ना संगम युग में ही, तो सारा कचरा आके इकट्ठा होता है उसको कहते हैं मल। वहाँ पे दान पुण्य करने के लिए ज्यादा बोलते, बाकी दूसरा काम करने के लिए मना बोलते। क्या क्या करने के लिए? दान धर्म ज्यादा करो। हाँ और क्या, जब सूरज और चांद को ग्रहण लगते हैं तो क्या करने के लिए बोलते हैं? दे दान तो छूटे ग्रहण। योगदान दो, ज्ञान का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। सरस्वती लक्ष्मी और गणेश को एक साथ क्यों दिखाते हैं? अभी सरस्वती की आत्मा कौन सी है? है ओम राधे वाली आत्मा सरस्वती है। और वो किस में प्रवेश करके पाठ बजाती है? लक्ष्मी में प्रवेश करके पाठ बजाती है। तो दोनों एक साथ हो गए कि नहीं? अच्छा अब रही गणेश की बात, तो गणेश लक्ष्मी का या पार्वती का बच्चा है कि नहीं? वो आत्मा सतयुग में लक्ष्मी का बच्चा बनेगा या नहीं है? बनेगा। और यहाँ संगम युग में सरस्वती जो लक्ष्मी में प्रवेश होकर पार्ट बजाती है, वो लक्ष्मी वाली आत्मा जब संपन्न बनेगी तो उसके बुद्ध रूपी पेट में या स्थूल पेट से उस आत्मा का जन्म होना है सतयुग में। तो तीनों एक साथ हो गए कि नहीं? इसलिए एक साथ दिखाते हैं। क्या 2017-18 के बाद भी जिनका पुरुषार्थ चलता है क्या वो भी सतयुग में आते हैं? अरे इसका मतलब कि जितने भी रुद्रमाला के या विजयमाला के पुरुषार्थी हैं वो 17-18 में संपन्न बन जाएंगे? वो तो नहीं हो सकता। सब संपन्न बन जाएं तो मार्जिन 10 साल का क्यों बताया मुरली में? तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में कितने साल? 40 से 50, ये 10 साल का मार्जिन बता दिया ना। तो ये मार्जिन किसके लिए बताया? जो तमोप्रधान पुरुषार्थी हैं और जो सतोप्रधान बनने हैं, सतोप्रधान बन करके है ना, ये सतोप्रधान बनेंगे तो माला के मणके बनेंगे या नहीं बनेंगे? और माला के मणके बनने के लिए ये 10 साल बताए हैं। तो ऐसे नहीं है कि 17-18 में ही सब संपन्न हो जाएंगे। राजधानी बहुत थोड़ों की बनेगी या एकदम पूरी माला की राजधानी बन जाएगी? पूरी माला में तो दूसरे दूसरे धर्म के भी बीज हैं, तो राजधानी का फाउंडेशन जो सूर्यवंश और चंद्रवंश के बीज या आधार हैं वो डालेंगे या दूसरे धर्म के फाउंडेशन डालेंगे? जो पक्के सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं वो ही 17-18 में फाउंडेशन डालेंगे, सब नहीं डालेंगे। 2028 तक जो माला में आने वाले राजाएं हैं रानियां हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे।
फिर प्रजा का नंबर लगेगा। बच्चों आदि की शादी करानी है, मना थोड़े ही करते हैं, हर एक का हिसाब किताब अलग अलग है। जैसे जैसे जो बच्चे हैं उनका वैसा हिसाब देख करके राय दी जाती है। बच्चों की शादी आदि कराकर अपना हिसाब चुकतू करो। तो पूछा है शादी आदि का हिसाब कैसे, जिनको नए नए संबंध बनने का हिसाब है तो वो नए संबंध बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? वो तो बनाएंगे, भगवान भी आके मना करे तो भी नहीं मानेंगे। तो गलत क्या बोला इसमें है? मुरली में बाबा अपनी मत भी देते थे, बाबा ने तो शादी बर्बादी बता दी, लेकिन किसी को करानी है, अच्छा तो कराओ। हाँ जी, और मुलम्मा का अर्थ क्या है? मुलम्मा अर्थात जिसमें बहुत दूसरा दूसरा धातु मिल जाए, असली सोना न रहे, उसे कहते हैं मुलम्मा। मूल अम्मा, कैसी अम्मा? मूल रूप में जो है वो अम्मा, वो है मुलम्मा। ये किसने उल्टा लिख दिया है? भगवान के साकार रूप को याद करते हैं तो जल्दी पावन बनते हैं, ये तो उल्टी बात लिख दी क्या? हाँ, निराकार को याद करने वाले जल्दी पावन बनते हैं, क्षिप्रगामी होते हैं, और साकार को याद करने वाले चरित्रवान होते हैं, ये बोला है। साकार को याद करने वाले चरित्रवान तो होते हैं लेकिन तीव्र पुरुषार्थी नहीं होते हैं, और निराकार को याद करने वाले तीव्र पुरुषार्थी होते हैं लेकिन चरित्रवान होते हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट निराकार को याद करने वाले हैं या साकार को याद करने वाले हैं? तो तीव्रगामी तो हैं लेकिन क्या चरित्रवान हैं? चरित्रवान नहीं। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूं, इसका क्या अर्थ है? माने जिसकी समझ में ये अर्थ नहीं आता है वो समझता है अकेला बाप कैसे सबको पतित से पावन बनाए, हमारा भी तो नंबर है। पतित से पावन बनने के लिए क्या प्रोसीजर है और पावन देवता से पतित मनुष्य या राक्षस बनने का क्या प्रोसीजर है? देवताएं पतित कैसे बने? संघ के रंग से पतित बने, और वो संघ का रंग भगवान का था या शैतानों का था, एक का था या अनेकों का था? अनेकों का संघ का रंग लगता है तो पतित बनते हैं, और एक ऊंचते ऊंच बाप का संघ का रंग लगता है तो पावन बनते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, कौन से बाप? दो बेहद के बाप हैं, एक शिव बाप आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप। दोनों कहते हैं या एक कहता है? है, दोनों कहते हैं, एक आत्मा कहती है या दोनों आत्मा कहती है?
एक आत्मा कहती है, लेकिन शरीर के द्वारा कहती है या बिना शरीर के परम नाम से आवाज आती है? शरीर के द्वारा कहते हैं। जब शरीर के द्वारा कहते हैं तो संघ का रंग भी सिर्फ बिंदु का लगाना है या शरीर का भी लगाना है? साकार में निराकार को याद करना है तो पतित से पावन बनेंगे। शिवलिंग की स्थापना कौन करता है? भक्ति मार्ग में शिवलिंग बनाते हैं तो पहले पहले शिवलिंग किसने बनाया है? ब्रह्मा वाली आत्मा ने विक्रमादित्य के रूप में बनाया, लेकिन मुरली में बोला है कि पतित दुनिया में द्वापर कलयुग में जो भी राजाएं होते हैं वो पवित्र बुद्धि होते हैं या अपवित्र बुद्धि होते हैं? है, अपवित्र बुद्धि होते हैं, इसलिए वो राजाएं अपनी अकल से काम नहीं करते हैं, ब्राह्मणों की अकल से काम करते हैं, गुरु बनाते हैं। ऐसे लोगों को गुरु बनाते हैं जो पवित्र रहने वाले हों। तो क्या कहेंगे, सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग किसने बनाया? विक्रमादित्य ने बनाया या उसके गुरु का उपक्रम था? गुरु का उपक्रम था। ये बात किसके दिमाग में आएगी? विक्रमादित्य उर्फ कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा के दिमाग में आएगी, या जिसमें शिव प्रवेश करता है उस लिंग रूप के दिमाग में आएगी? जिसमें प्रवेश करता है उसी के दिमाग में वो बात आएगी। वैष्णो देवी को शेर के ऊपर क्यों बिठाया है? जगदम्बा को टाइगर के ऊपर बिठाया है। बागम्बरी देवी कहा जाता है और वैष्णो देवी को सिंहवाहिनी कहा जाता है। कहां की यादगार है, कैसे? मुरली में बोला है त्रिमूर्ति में भक्ति मार्ग में तीन शेर दिखा दिए हैं, लेकिन वास्तव में तीन शेर नहीं है, क्या है? एक घोड़ा है, एक बकरी है। मुरली में बोला एक घोड़ा है, एक बकरी है, एक शेर है। तो कौन है घोड़ा, कौन है बकरी, कौन है शेर? ब्रह्मा बाबा है, मनरूपी घोड़ा कहो बैल कहो बात एक ही है। और विष्णु है बकरी है, जिसने कान पकड़ लिया सुनाना शुरू कर दिया, जिसके हाथ आ गया कान बस उसी के कंट्रोल में आ जाती है। बकरी का क्या स्वभाव होता है, है? जिसने कान पकड़ लिया उसी के कंट्रोल में आ जाती है। तो वैष्णो देवी अभी उसका कान किसने पकड़ा हुआ है,
है, उसको झूठी झूठी बातें कौन सुनाते हैं? है बीके वाले झूठी बातें सुनाते हैं, तो बस उन्हीं की बनी हुई। जब एडवांस वाले में आ जाएगी तो सच्चाई का पता चलेगा, तो किसकी बन जाएगी? है एडवांस में की बन जाएगी। लेकिन एडवांस में आकर के वो किसको कंट्रोल कर लेगी? है शंकर को कंट्रोल कर लेगी अपनी प्योरिटी से। इसलिए वैष्णो देवी को शेर की सवारी दिखाते हैं, सिंह की। भट्टी करने के बाद जो आत्माएं कईयों के संबंध में, संबंध कहा जाता है गहरा अटैचमेंट, इंद्रियों के द्वारा संसर्ग, गहरा संसर्ग होता है तो उसे कहते हैं संबंध। तो जो आत्माएं भट्टी के बाद संबंध में, कोई कोई अनेकों के संबंध में, अनेकों के संसर्ग में, संपर्क में आते हैं, तो वो आत्माएं किस धर्म की विशेष शूटिंग करती हैं? है इस्लाम धर्म वाले। अनेकों धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। कौन कन्वर्ट होते हैं? आर्य समाजी हैं जो सभी धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं।